नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राष्ट्र में कोई तरह के काम नहीं हो रहा है, विकास के सारे काम बंद पड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स काली कमाई और जमीन घोटाले करने में लगे हुए हैं, जनता की गाड़ी कमाई का प्रदेश में घोटाला हो रहा है। तमाम आरोप सरकार पर लगाए हैं राज्य की। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। घोटालों के प्रदेश झारखंड में लगातार हो रहे घोटालों के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। घोटाला प्रदेश झारखंड में अभी आईएएस पूजा सिंगल की गिरफ्तारी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि ईडी ने एक और आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें सेना की जमीन खरीद बिक्री घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब लगातार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर ईडी एक्शन ले रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, तो सियासत तो गर्मानी ही थी। लिहाजा विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करते हुए सरकार से कुछ सवाल किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि पहला सवाल, कि आपको दलाल प्रेम प्रकाश और उसके काला साम्राज्य गोरख धंधे के बारे में पहले से पता था या उसे तब जाने जब आपके घर की सुरक्षा का AK-47 उसके घर से ईडी ने बरामद किया। दूसरा सवाल, कि आपको राज्य की खुफिया एजेंसियों ने कभी नहीं बताया कि उसके घर रात के अंधेरे में कुछ आईएएस आईपीएस से लेकर दूसरे कमाऊ विभाग के लोगों का दरबार लगता था। तीसरा सवाल, क्या आपको किसी ने नहीं बताया कुछ चर्चित लुटेरे प्रशासन और पुलिस के अफसर सीधे प्रेम दलाल के निर्देश पर सारे गलत काम किया करते थे और उस काम की कमाई और जानकारी प्रेम को ही देते थे। चौथा सवाल, क्या आपको पता नहीं था कि दलाल प्रेम यहाँ अमित अग्रवाल के एजेंट के रूप में काम करता था। इस मुख्य काम अमित का आदेश अफसरों तक पहुँचाना और फिर उसे धंधे वाले काम के बारे में प्रेम को अपडेट करना ही था। पांचवा सवाल, क्या ये संभव है कि बिना आपकी अनुमति या सहमति के कोई अफसर या सरकारी विभाग किसी दलाल से निर्देश लेकर काम करे और आपको पता भी ना चले। नेता प्रतिपक्ष ही नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन पर झारखंड की जनता ने विश्वास जताया, परंतु मुख्यमंत्री जी ने दलालों और लुटेरों की एक विशाल सेना तैयार की। इन्होंने जनहित से हटकर काले धन से प्रेम किया और भ्रष्टाचार की पूजा की। नतीजन आज पूरे देश ही नहीं दुनिया में झारखंड की छवि खराब हुई। छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस मामले में सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं जिससे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगे। साथ ही देखना दिलचस्प ये भी होगा कि ईडी पूछताछ में छवि रंजन क्या कुछ राज उगलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सरकार पर तमाम सवाल उठा रहे हैं बाबूलाल मरांडी, उनका कहना है कि प्रदेश में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जो विकास की गंगा को बहाए। लगातार जो ब्यूरोक्रेट्स हैं काली कमाई में लगे हैं, जमीन घोटाले हो रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई को अपनी जेब में रखा जा रहा है, ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि इस तरह के जो काम हो रहे हैं उससे जनता का विकास रुक गया है और क्षेत्र में उनकी छवि बहुत धूमिल हो रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सिंह नेता बीजेपी, संदीप त्रिपाठी जी नेता कांग्रेस, सौरभ श्रीवास्तव नेता आपके थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनोष कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है अभी आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ। सबसे पहले मैं संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। आपकी सरकार में हो क्या रहा है? पूजा सिंगल छवि क्या हो रहा है आपकी सरकार में? टीवी और सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल जहां पर उनके एक विपक्षी की सरकारें हैं लगातार कर रही है, सिर्फ उसकी परिणति है। और जहां पर भी अगर कहीं पर भी अधिकारियों के माध्यम से भ्रष्टाचार
की बात आई है, कांग्रेस ने उसको संज्ञान लिया है, कांग्रेस की पार्टी ने संज्ञान लिया है, जी जो है हेमंत सोरेन ने उसका संज्ञान लिया है, उस पर त्वरित कार्रवाई हुई है। लेकिन इसका जो है जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल, इसके पहले भी इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे झारखंड के ही मसले पर हम लोग बैठे थे और ये उस समय जो एक लोग को पकड़ा गया था और ये बताया जा रहा है कि निकलने वाला है, वो निकलने वाला है। हम सिर्फ इतना भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप सिंह जी से इतना पूछेंगे कि आप बता दीजिए कि पिछली रेड में कितना पैसा निकल कर आया, किससे कितना पकड़ा गया, ये कृपया बताने का काम करें। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि जो बाबूलाल मरांडी जी के इतने सवाल है कि ये हो रहा था, उनके जो आरोप है जो है हेमंत सोरेन सरकार को क्यों नहीं पता चला, तो ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को किरण पटेल नाम का एक आईएएस अधिकारी फर्जी बनकर आज घूम रहा था कश्मीर जैसी सेंसिटिव एरिया में और उसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रही थी। क्या मोदी सरकार को और उनके अधिकारियों को नहीं पता चल पाया कि फर्जी जो आईएएस है, क्या कहेंगे उसपे? ठीक है संदीप जी, संदीप जी मेरा आपसे ये कहना है, संदीप जी मेरा आपसे ये कहना है, अगर जांच हो रही है तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? जांच हो रही है तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर आप साफ हैं तो। तीन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जांच करिए, कोई ऐतराज नहीं है, सत्ता देखकर पार्टी देखकर कौन किस पार्टी से है, कौन जो है क्या है, जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करेंगे तो सवाल खड़े होंगे। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जो है रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर हरियाणा में जो है बहुत घोटाले के आरोप भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने लगाए और जब चुनाव के आन वक्त पहले पर उनसे जो है सीबीआई ने पूछताछ की, उस पर बहुत मीडिया आप लोगों ने हाइप दी और बहुत सारी बातें हुई जी। और उसी सरकार ने आज 5 साल के अंदर उसी केस में यही राजस्थान में इनकी सरकार वसुंधरा राजे ने किया था, हमारी सरकार आने के पहले। आप बताइए कि आप आरोप लगाते हैं और उस पर वोट ले लेते हैं, टू जी सिस्टम आपको याद होगा जी, सिस्टम के इन्होंने जी, आरोप प्रदीप जी की सरकार प्रदीप जी कितने आरोप आप पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है, आप ईडी का दुरुपयोग करते हैं। ये कौन सी नई बात बता रहे हैं? ये एक आदत बन गई है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। आप तो इस मतलब देखिए, ये कांग्रेस के मित्र जो है गोल पोस्ट चेंज करना और अपने हिसाब से चीजों को लेके चलना इन लोगों की पुरानी आदत है, ठीक है। जो सीधे से आप सरकार में है वहां पे और आपकी एक संयुक्त मतलब गठबंधनों की भी सरकार है, अकेले आप नहीं है वहां पे, तो आप सीधे सीधे जवाब दे दीजिए। देखिए आपने एक प्रश्न बहुत बढ़िया से किया कि जांच हो रही है तो इसमें बुराई क्या है। वहां पे प्रशासनिक अधिकारी यानी जुडिशियरी के सॉरी एग्जीक्यूटिव के लोग जो है वो किस प्रकार से अपने जो है हिसाब से चला रहे हैं और क्या क्या अन्य काम हो रहे हैं, सबसे समृद्ध प्रदेश खनिज संपदा में, और इन लोगों की एक तरह से कह दी जाए कि अगर घोटाले वाली परंपरा है तो इन लोगों की तो लॉटरी लगी हुई है। अब वो लॉटरी की लूट में इतने ज्यादा भाव विभोर हो चुके हैं, आत्ममुक्त हो चुके हैं कि इन लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। तो सामान्य कार्रवाई को भी ये लोग ले आकर के ईडी की कार्रवाई, आप बदले की भावना, पॉलिटिकल वेंडेटा, ये सब तो कोई नई बात नहीं है। आज प्रत्येक प्लेटफॉर्म जहां पे भी चर्चा होती है ये उठा करके बस वही बोलते हैं कि ईडी का दुरुपयोग। भैया जी आपके पास न्यायालय भी है, सभी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, आप जाइए वहां पे। संदीप जी जवाब दीजिए, आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कैसे बनी हो गए? सरकार आपकी, सबूत देने का काम आपका, आरोप आपका, जिम्मेदारी आपकी, कोर्ट को सबूत उपलब्ध कराते कैसे बनी हो गए? और अगर बनी हो गए तो आपने जनता से माफी मांगा कि हमने झूठे आरोप लगाए थे? नहीं मांगा तो क्यों? रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट घाघरा सरकार देती है क्यों, कैसे? आप सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर वोट लेंगे ना, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। सुनील जी इनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इनके प्रश्नों को एक बार अगर रिफ्रेस कर देंगे तो मैं ठीक से। इनके कहने का मतलब यह है कि आप लोग अपने क्षेत्र में जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां के नेताओं को बचाते हैं, ईडी का दुरुपयोग करते हैं, आप कोई काम ठीक से नहीं करते हैं, तमाम आरोप आप पर लगा रहे हैं। प्रदीप मेरा सवाल सीधा सीधा सुन लीजिए, जितना मैं समझ पाया हूँ फिर से सवाल सुन लीजिए, एक आवाज आपको नहीं आ रही, नाम ले रहे थे, सुनिए। देखिए
अगर कोई कार्रवाई त्वरित गति से हो जाए, विशेष उस पर ध्यान देकर के हो जाए, तो ये गांधी परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, गांधी परिवार को ठीक से जीने नहीं दे रहे हैं। भैया सभी नागरिक सम्मान है। अभी आप देखिए कि राहुल जी और सोनिया जी की जो ईडी में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, तो कांग्रेस की कार्यकर्ता पूरे देश से इकट्ठा हुए और दिल्ली को एकदम से स्टॉप करने रोकने की इन्होंने प्रयास किया। अगर अर्धसैनिक बल या सुरक्षा नहीं लगाई गई होती तो ये लोग क्या रोड पे तांडव करते, ये तो समय ही बताता, लेकिन भाग्य से वो रुक नहीं पाया। तो अगर गांधी परिवार के किसी व्यक्ति पे थोड़ी सी भी अगर तेजी दिखा दी जाए, देखिए जांच तो अपने हिसाब से ही चलेगी, जांच में कोई बचेगा नहीं। ये देश संविधान से चलता है, कांग्रेस के संविधान से नहीं चलता है। जो संविधान बना हुआ है जिसके उसके आधार पर देश चलता है। अब अगर ये रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम ले रहे हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे। इनके जेब में एक ही कार्ड नहीं रहता है, विजिटिंग कार्ड होता तो बात चल जाती कि आईएनसी कांग्रेस, लेकिन इनके पास सबसे ज्यादा तो विक्टिम कार्ड रहते हैं। अब जब इनको घेरा जाता है, ये विपक्ष में है। देखिए एक मानव प्रवृत्ति होती है कि सरकार केंद्र में है, या हमारे देश की मान लीजिए परंपरा है, तो सारे सवाल केंद्र सरकार से हैं, सब कुछ उसी से है। अरे भैया आपने घोटाले इतने कर रखे हैं कि ईडी अब उसमें आ रही है, समय से वो अपना कार्य चल रहा है, तो आप कहते फिर रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग है, ईडी का दुरुपयोग है, हमेशा एक ही बात को लेकर रपटे रहते हैं। भाई कोई नहीं बचेगा, तो समय तो अब वो आ रहा है ना। देखिए पहले कहा जाता था कि सवाल इस बात का होता है कि जिस राज्य में आपकी सरकार है वहां पे ईडी क्यों इतनी एक्टिव दिखाई देती, वहां सीबीआई इतनी एक्टिव क्यों नहीं दिखाई देती, वहां का सभी लोग पास साफ है। देखिए अगर हरियाणा में हमारी सरकार है और वहां पे अगर सुपर एक्टिव हो जाए, आप अगर इन लोगों के शब्दों में कहा जाए तो वहां एक्टिव हो जाए, तो रॉबर्ट वाड्रा जी जाएंगे जेल। अब अगर वो चले गए तो फिर देखिए क्या शांति व्यवस्था में ये लोग कितना भंग डालेंगे। देखिए लोग पुराने इन्होंने शासन किया है, सिस्टम को मरोड़ के काम लेना इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है, और ये जो है जब फंसते हैं तो ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। भाई हम तो सीधे से ये कह रहे हैं, देखिए प्रत्येक राज्य में हो रहा है, ऐसा नहीं अगर कोई कहे कि हमारे नेता नहीं फंसे हैं उसमें, तो ये उनकी जानकारी ही कमी है। ईडी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी लेकर के लपेटे में है, उनकी जांच चल रही है। तो बस इनपे जब थोड़ी सी आंच ज्यादा हो जाती है तब इन लोगों की जो है टिक्की बन जाती है। तीन नेताओं के नाम बता दीजिए, बताइए तीन नेताओं के नाम प्रदीप जी, अगर ईडी इतनी एक्टिव है तो। नहीं, अगर कर्नाटक में जो अभी पकड़े गए वो भाजपा के नेता के लड़के थे जो कि एक सरकारी नौकरी में थे, है ना, तो वहाँ वो क्या पकड़े नहीं गए क्या? वहाँ तो हम शासन भी थे, नगद रुपए मिलते हैं, ईडी कहाँ गई? नहीं, आपको ईडी से इतना विशेष लगाव क्यों है? अगर वो भाजपा के नेता संविधान के दायरे में नहीं था क्या? ठीक है सौरभ जी, ठीक है संदीप जी और प्रदीप जी, मैं सौरभ जी के पास जाता हूँ। सौरभ जी, जिस प्रकार से देखा जाए प्रदेश में ये हो रहा है, चाहे पूजा की बात हो, सिंगल की बात हो, चाहे छवि की बात हो, आपको क्या लगता है बीजेपी ये ठीक कर रही है जिस प्रकार से जांच हो रही है? देखिए पहली बात तो सारे पैनलिस्ट को, सारे मेरे लिए सम्माननीय है, आपने सबको समय दिया, मुझे भी पूरा समय दीजिएगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के डिबेट का कंटेक्स्ट झारखंड है, तो फिर हम रॉबर्ट वाड्रा और केंद्र और सेंटर और भाजपा के केंद्रीय नेताओं पर न जाए तो बेहतर होगा। हमारा डिस्कशन झारखंड के कंटेक्स्ट में होना चाहिए। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, जहां तक हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी की बात हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, इन सारी पार्टियों की हालत करीब करीब एक जैसी है। अगर आप देखें तो हेमंत सोरेन के सरकार में अभी जो मुद्दे आ रहे हैं एक के बाद एक, चाहे वो छवि रंजन का मामला हो, इससे पहले पूजा सिंगल का मामला हो, चाहे लैंड डील की बात हो, माइनिंग लीज की बात हो, और ऐसे तमाम मुद्दे, इन सारे मुद्दों पर बात होती है। लेकिन जब दूसरे कंट्रास्ट में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे भी एक हाथी उड़ाया था रघुवर दास जी ने, और उस उड़ते हुए हाथी का पूंछ आज तक नहीं ढूंढ पाई है ना भारतीय जनता पार्टी ना झारखंड मुक्ति मोर्चा। और आज प्रदेश की क्या स्थिति है? प्रदेश में आज हमारी राजनीति का नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया है छवि रंजन और पूजा सिंगल की तरफ। हमारा यह कहना है, मैं इन दोनों पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की आवश्यकता नहीं है राज्य में? क्या हम झारखंड के मुद्दों पर, यहाँ की नीतियों पर बात नहीं करेंगे? अगर आप झारखंड की बात करें तो मैं लातेहार जिले से आता हूँ और मैं वहां की बात बताता हूँ आपको कि इस सरकार में जिस प्रकार से खनिज संसाधनों का दोहन किया जा रहा है और अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में जिस प्रकार से खनिज संपदाओं का दोहन हो रहा है और अवैध काली कमाई का दोहन करके, और कहीं ना कहीं उसमें बड़े नेताओं की हिस्सेदारी होगी शायद, इसीलिए संरक्षण प्राप्त है,
क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? बाबूलाल मरांडी जी एक सम्माननीय और बड़े नेता हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन ऐसे सैकड़ों भ्रष्टाचार, मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य में ऐसे सैकड़ों भ्रष्टाचार की घटनाएं हैं जिन पर शायद इन बड़ी घटनाओं के बीच में ध्यान नहीं है। क्या उन सभी घटनाओं पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या रजिस्ट्री ऑफिस के अभिलेखों को जिन्हें सरकार के संरक्षण होने के बावजूद छेड़ा जा रहा है, क्या यह सीरियस मामला नहीं है? सरकार के अभिलेख सुरक्षित नहीं है? मैं सरकार के नुमाइंदे जी धनोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए प्रदेश में, बाबूलाल मरांडी का कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स लगातार घोटाले कर रहे हैं, जनता की काली कमाई जनता की बर्बाद हो रही है, मतलब देखा जाए प्रदेश में सारे काम रुके पड़े हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। सौरभ जी का कहना है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सब घोटाले करते हैं, जनता के हित के लिए कोई नहीं सोचता। आपको क्या लगता है कि इससे विकास होगा? आपको क्या लगता है इस प्रकार से, चाहे वो छवि का मामला हो, पूजा सिंगल का मामला हो, प्रदेश की जनता त्रस्त है? बहुत धन्यवाद। दो लाइन से शुरुआत करूंगा, आपके मुद्दे से रिलेटेड है, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। दो लाइन से शुरुआत करता हूं। अब तो सच्चाई भी सामने आने लगा है, नेताओं का जुबान भी लड़खड़ाने लगा है। देखिए, आईएएस ऑफिसर, अगर मैं झारखंड की बात करता हूं जी, वो उनको सजा हुई है। अदालत जाते टाइम यानी जेल जाते टाइम रो रहे थे, ये रोने का पश्चाताप का आंसू नहीं है, ये घोटाला का आंसू है। इतने घोटाले हेमंत सरकार में अगर हुआ है, एक आईएएस अफसर, क्योंकि आप यह चीज देखे होंगे, आईएएस की मर्डर तो आपने सुना होगा बिहार में, लेकिन आईएएस अफसर मतलब घोटाले में पकड़ा गया हो जी, ये आप पहली बार सुने होंगे, वो भी महागठबंधन की सरकार में। महागठबंधन में बिहार में भी देखिए, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अफसर वो दफ्तर में नहीं मिलते। जनता जो है अगर उनको ढूंढने जाता, 10 से 5 की सर्विस टाइम है, 10 से 5 की, लेकिन महागठबंधन की सरकार में बिहार झारखंड में आईएएस अफसर, जिसको जिला कलेक्टर कहते हैं, जिसको डीडीसी कहते हैं, जो बनकर आता है, उनको अगर दफ्तर में जनता ढूंढने जाती है तो नहीं मिलते हैं। तो क्या ये घोटाला नहीं है? और ये सच्चाई में सुन रहा था, कितना बेबाकी से बचा रहे हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री है झारखंड का, और उनके ऊपर आज तक एक रुपये का दाग नहीं है, चाहे उनके शासन में रहते हुए, चाहे वो भाजपा से अलग हो गया हो, फिर भाजपा में आ गया हो। अगर वो व्यक्ति उन चीजों को लेकर बैठा हुआ सरकार का घेराव कर रहा है, तो हेमंत सोरेन को पब्लिकली आना चाहिए था और बताना चाहिए था कि ब्यूरोक्रेट ने घोटाला किया, और ऐसे ब्यूरोक्रेट को माफ नहीं किया जाएगा, और इसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी, वो सजा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जनता का जो जितने भी पॉलिसी है उनके पैसे का गमन किया जा रहा है। कलेक्टर के यहाँ सिर्फ जनता का पॉलिसी का पैसा आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट भेजती है डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर जितने भी एजेंसी है खासतौर पर पॉलिसी बनाने वाले, चाहे वो कलेक्टर के यहाँ का हो, चाहे वो डीडीसी के यहाँ का हो, चाहे वो ब्लॉक के यहाँ का, अनुमंडल का, इन सब पैसों का घोटाला हो रहा, लूट मची हुई है। इसका जवाबदेही सरकार है, सरकार के मुखिया है, गठबंधन की सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि इनके राज्य में कलेक्टर जेल जा रहा है और फिर भी टीवी पर बैठकर बोलता है कि उनकी बात नहीं होनी चाहिए, उनकी बात नहीं होनी चाहिए। बात तो होनी चाहिए, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, थोड़ा शर्म आनी चाहिए। जैसे जुबान लड़खड़ा रहे हैं तो थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि कम से कम जांच होनी चाहिए। संदीप जी, मनोज जी, मेरा नाम संदीप त्रिपाठी है, मुद्दों पे जबान मेरी नहीं लड़खड़ाती है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी डिबेट में आपके साथ रहा हूँ, इसलिए ये मत कहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर आरोप लगाती है तो अगर सत्ता में आ गया, कई बार आपके जुबान लड़खड़ा रही है संदीप जी, आप बचाव कर रहे हो इस चोर डाकू को, लुटेरे को, आप तो बोलो ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। संदीप जी, अगर जांच हो, जांच में आपत्ति क्या है? अगर आप लोग ठीक हैं, ईमानदार हैं, सच्चे काम करते हैं, तो आपको जांच से इतनी आपत्ति क्यों है? सांच को आज क्या? अरे शर्म आनी चाहिए, मेरी औकात पता है तुम्हें? मेरी औकात पता है तुमको? मेरी औकात तुमको पता है? औकात दिखाने के लिए इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल मत कीजिए।
धनोज जी, इस तरह के शब्दों का इस मंच पर इस्तेमाल मत कीजिए। इस मंच की कुछ गरिमा है, हम डिबेट करा रहे हैं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। पत्रकार के नाम पर भाजपा की बैटिंग कर रहा है कुछ भी। संदीप जी, आप भी अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। धनोज जी, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। धनोज जी, नहीं इस तरह से, नहीं 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 इस तरह से नहीं। चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, इस तरह से नहीं। धनोज जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं जी। चल हम प्रदीप जी के पास पहुंचते हैं। प्रदीप जी ठीक है, ठीक है धनोज जी आपके, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं मेरी बात आ जाने दीजिए, फिर आप कहीं पे जाइए जी। संदीप जी बोलिए। आप कह रहा हूँ जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं जी, तो उसको साबित करने का अगर सत्ता में आप आ जाते तो जिम्मेदारी कांग्रेस की तो नहीं है ना। जनता ने आपको मैंडेट दिया आपके आरोप के ऊपर, आप उसको क्या कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि 2G स्पेक्ट्रम में कैसे लोकप्रिय हो गए, किसकी जिम्मेदारी है? कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। आरोप आपके थे, आपकी सरकार है, आपकी CBI है, आपकी ED है, प्रदीप जी सबूत कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर पाए? अगर भ्रष्टाचार हुआ था आपने आरोप लगाए थे, पहला सवाल। और अगर वो नहीं हुआ था, कोर्ट आज सबको बरी कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे कि उसने झूठा आरोप लगाया था। दूसरी चीज आप ये जवाब दीजिए, कांग्रेस ने आज तक माफी मांगी? आपातकाल लगाया था, ये माफी मंगवा रहे हैं बैठ कर। अरे अब आपातकाल से कितनी बार माफी मांग चुकी है कांग्रेस, क्या बात करिएगा आप। अब कांग्रेस के कल्चर की बात आप छोड़िए, जहाँ गलती होती है माफी मांगते हैं। और गैर संवैधानिक कार्य नहीं है आपातकाल, संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा वो गलत असम हो सकता है। सुनिए आप जांच होने दीजिए ठीक से। अब कहाँ आपातकाल पहुंच रहे, भ्रष्टाचार से आपातकाल पे पहुंच गए। अब आपकी काम कर रहे आपको झारखंड में जवाब नहीं दे रहा हूँ। धनोज जी बता रहे हैं, लड़का आ रहा हूँ, ये बताइए धनोज जी, 2G स्पेक्ट्रम में सारे लोग गरीब हो गए, बाबूलाल मांग लीजिए, पूछेगा। संदीप जी, संदीप जी, आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि आपकी सरकार में घोटाले होते हैं, काम ठीक से नहीं होते। सौरभ जी का कहना है, सौरभ जी का कहना है कि आपकी सरकार ठीक से काम प्रदेश में नहीं कर रही है, वो खुद छत्तीसगढ़ में रहते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? बात बोला, इस देश में वही लोग बोलेंगे जिनकी सरकारें हैं, वही लोग बोलेंगे जो सत्ता में है, वही लोग बोलेंगे जो पावर में। यही तो बात कहती है कि लोगों को बोलने आंदोलन करते हैं, संदीप जी की आंदोलन करते हैं पर, क्योंकि हमारी एक प्रदेश में सरकार है, हमारी पार्टी एक छोटी पार्टी है, हम नहीं बोलेंगे। अरे छोटी का है क्यों है? हम नहीं बोलेंगे, बोलने का हक हर किसी को है। पार्टी छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं, गलत करेगा वो गलत करेगा, उसको सजा मिलेगी। पार्टी छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं, गलत करेगा सजा मिलेगी। चाहती रहे, और हमारी सरकार चूंकि एक स्टेट में है और हम बहुत छोटी पार्टी है और साधारण लोग हैं, हम नहीं बोलेंगे। ठीक बात है, आप बोलिए, आप बहस करिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करिए, क्योंकि हमारी पार्टी बड़ी छोटी पार्टी है, हम नहीं बोलेंगे। ठीक बात है, यही नैरेटिव सेट करना चाहती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। यहाँ वो बोलेंगी, वो पार्टियां बोलेंगी जिनकी बड़ी सरकारें हैं, जिनके प्रधानमंत्री हैं, जिनके राज्य में सरकार है। जी बोल रहे हैं उनकी कौन सी सरकार है, क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी पार्टी बनने की कोशिश मत करिए, लूट खपेट करके बेचारा बनने से काम नहीं चलेगा ना साथी। ठीक है, एक जगह मुद्दा जनता ने दिया, आप दारू बेचते पकड़े गए, दारू बेचते पकड़े गए, दारू बेचते पकड़े गए आप भाई, दारू बेचते पकड़े गए। एक जगह मौका दिया जनता ने, आप दारू बेचते पकड़े गए, दूसरी जगह दारू पीने वाले को मुल्क नहीं बोलेंगे कि हमारी पार्टी कमी आपकी है ना, सवाल तो खड़े होंगे सरकार चला रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। प्रदीप जी आपका, संदीप जी आपका, सौरभ जी आपका और धनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी जांच होगी, चाहे किसी को कोई आपत्ति हो, और अगर जांच हो रही है तो केंद्र राज्य सरकार को इस पर आपत्ति क्या है? सांच को आज किस बात की है, लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा है कांग्रेस बौखलाई हुई है। आने वाले टाइम में इलेक्शन है, इलेक्शन को देखते हुए कहा जा रहा है कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, विरोध तमाम तरह के सवाल उठा रहा है विपक्ष, लेकिन ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि भ्रष्टाचार के तार कहां कहां तक जुड़े हैं और कितने का भ्रष्टाचार हुआ, जनता की गाड़ी कमाई कैसे खाई गई।
और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।